गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर जा ही नहीं रही है ये इसलिए नहीं कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसके ऊपर लेके जाने की। इतने सुपर सुपर अब नहीं होगा बाद में कर लूंगा बहुत यार। देख लो, पहली बार से पहन के आया हूँ मैं और मेरी फिंगर्स ना फील नहीं हो रही पता नहीं जाम हो चुकी पूरी वर्कआउट so, हो चुका है खत्म आज बैक वर्कआउट था शूट नहीं ले पाया बिकॉज मूड भी नहीं हो रहा था शूट लेने का और बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब सो इस वजह से शूट नहीं ले पाया और अभी जल्दी से भागना है घर पे ऑलरेडी लेट हो गया मेरे को पता नहीं मम्मी क्या हाल करेगी मेरा आंटी लेने घर पे जाते आते हैं तो मिलता हूँ थोड़ी देर में दी नेक्स्ट डे सो गाइज यार मुझे कल के दिन कुछ भी शूट करने लायक ऐसे नहीं हुआ या कुछ नहीं दिखा तो इस वजह से मैं कुछ ज्यादा शूट नहीं ले पाया और अभी इमरान और मैं निकले थे बाहर इमरान यहाँ पे है आ, अभी हम लोग निकले थे बाहर कुछ कंटेंट निकालने के लिए सोचे कुछ कंटेंट मिल जाएगा बट आज भी कुछ नहीं मिला इतना कुछ कंटेंट और अभी एक फनी सीन हो गया बहुत अच्छा हम लोग गए थे मसाला पाव खाने के लिए इमान? गए थे हम लोग गए थे मसाला पाव खाने के लिए बट जैसे जेब में हार डाला दोनों ने पता चला कि नहीं खा सकते मसाला पाव <laughs> नहीं खा सकते मसाला पाव अभी आज के दिन की औकात नहीं है फिलहाल मसाला पाव खाने की अभी बज रहे कुछ साढ़े नौ दस के आसपास तो फिर से इमरान क्या हो गया अपने साथ में कॉमेडी हुई क्या ट्रेजडी हुई क्या हुई अच्छा तो फिर भी तो कह पता नहीं अभी क्या क्या होगा आगे क्या कॉन्टेंट निकाले हम लोग कुछ नहीं पता देखते अभी आगे क्या होता है just take a breath आप लोगों ने देखा कि यार बाहर कितनी पब्लिक आई हुई है लोनावला में यार पता नहीं भर की पब्लिक आई है बहुत बहुत है यार सुबह से आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि लोनावला में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है यार थर्टी फर्स्ट की वजह से लोग एक दो दिन पहले से आ रखे है यहाँ पे तो इसलिए बाहर निकलना ज्यादा पॉसिबल नहीं है और ऊपर से बारह बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ पे वही इसके वजह से कि मतलब ज्यादा करके भीड़ नहीं कर सकते हैं भीड़ नहीं कर सकते और ऊपर से कोरोना सीन थोड़ा सा बढ़ रहा है अभी फिर से पूना बॉम्बे हर जगह पहुंच चुका है इस वजह से और ऊपर से अभी मास्क भी कंपलसरी कर दिया एक तारीख से तो प्लीज अपना और अपने फैमिली दोनों का ख्याल रखना यार और गाइज अभी हम लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अभी बारह बजने वाले हैं थोड़ी देर में बट भीड़ में नहीं जाना यार हम लोगों को इस वजह से हम लोग हमारे कार में बैठे हुए हैं यार अभी क्या करे कॉफी पी रहे थे सब्सक्राइबर होने वाले टू के जल्दी ब, जल्दी क्रॉस करने वाले यार अभी हम लोग बस थोड़े ही बाकी है और इमरान भी वन के क्रॉस करने वाला है हाँ। तो प्लीज अभी जल्दी से जल्दी के के दोनों, दोनों का, अभी मेरे का इसके वन और टू के दोनों का ब्लॉग आएगा और सेलिब्रेशन जो भी अभी ऑब्वियसली है स्पेशल वीडियो भी आएगी और आप लोग हमारी फैमिली हो यार जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यार भाई बाल क्यों बढ़ा रहे हो भाई जिम क्यों जा रहे हो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो इमरान भाई भी अभी धीरे धीरे एक शेप में आ रहे हैं मतलब बाल, बालों के इसमें तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि बहुत जल्दी एक वीडियो शूट होने वाला है Vines का तो कॉमेडी बोलो या ड्रामा बोलो रखो थोड़ा सा यार बस क्या है ना कि एक वीडियो शूट करने वाले हम लोग बहुत जल्दी उसके लिए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यार हाँ। मुझे उस वीडियो के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए So, मतलब बताना है कि मतलब पहले कैसा लुक था और अभी का कैसा लुक है जो पुराने वीडियो से लेके तो अभी तक की जर्नी देखो आप तो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आप लोगो कोई कोई लोग तो शायद पहचानते भी नहीं है मेरे को अभी कि भाई तू वही है जो पहले वीडियो बनाता था घर में बैठ के क्योंकि मतलब पूरा लुक चेंज हो गया मतलब हेयर स्टाइल्स का फिर में पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया है इसका पूरा चेंज अभी अभी एक वे में क्योंकि मैं साथ में हूँ तो मुझे इतना मतलब फर्क गिरता नहीं है मतलब कैसा मतलब लगता नहीं है कि चेंज हो चुका है कुछ क्योंकि लोगों को ऐसा मतलब सामने से अगर फर दिन आ गया ना तो उसके दोस्त लोगों को लगता था अरे यार ये वो जो छोटे हेयर रखता था मतलब एकदम ज्यादा शरारती नहीं था और नॉर्मल एक गाय था नॉर्मल एक पर्सन था तो ऐसा अभी लगता है कि मतलब अलग ही कुछ अलग ही चेंज हो गया जिंदगी में रखे नहीं अभी एक वीडियो के लिए एक लुक है जो हम किया है कुछ उसमें हो रहे है, बीच में बहुत बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में भी, व्लौकिंग भी व्लौकिंग भी शूट कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट्स भी बना रहे और काम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ईयर रेजोल्यूशन भी हम दोनों का यही है कि ज्यादा से ज्यादा काम पे फोकस करें जल्द से जल्द अभी मेरा तो मतलब काम का रहता है तो इसमें मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरे भी बड़े ब्लॉग बंद हो चुके हैं अभी, अभी शॉर्ट्स में आ मैं चुका कर रहा है अभी तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब तक अगर इंशाल्लाह अगर मेरे वन के क्रॉस हो जाएंगे तो मैं बड़े वीडियो चालू कर दूंगा ब्लॉगिंग करेंगे इन इनशा और फरदीन ने तो चालू कर चुका है दो उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो जाके दो या तीन अपलोड हो चुके हैं यार प्लीज उसके वीडियो, उसके वीडियो को शेयर करते जाओ बरबर और क्या कुछ अगर मिस्टेक रहेंगी कुछ बताओ तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई ये गलत हो रहा है या इसको सही करो जो भी है वैसा सब कमेंट करते जाओ बताते जाओ प्लीज गाइज आप लोग के कमेंट से ही समझ ऐसी समझेगा हम लोगो को की यार क्या हम लोग सही जा रहे गलत जा रहे हैं क्या हो रहा है तो प्लीज कमेंट करो और आपको कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ मतलब अलग कुछ चाहिए या कुछ जो भी आपको ऐसा लगता है कि है ये करना चाहिए तो वो वैसे बताते जाओ कि ये करना चाहिए फरदीन भाई भाई ये करो, भाई ये करो करो ऐसा बताओ और यार बहुत लग, सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि यार ब्लॉगिंग अचानक से स्टार्ट कर दिए वाइन्स वाली वीडियो कहाँ गए तो यार ये सब उसी के लिए है अभी वाइन्स देखो भूतियापंथी टू तो ऑब्वियसली आएगा बट ऐसा है कि पार्ट वन को आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि इन्होंने क्या बोलता है यार भूतियापंथी के बारे में तो अभी तक भी अभी हम लोग लोग देखते हैं और उसकी तारीफ होती है अभी भी अभी यार मैं क्या बोलू हम लोग भी देखते हैं यार हम लोग भी अभी तक वो वीडियो देखते हैं कभी याद करते हैं उसके बारे में और हम लोगों ने बीच में प्लान भी किया था कि भूतापंती के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को कि कैसे शूट हुआ कितने आ, दिन तक हुआ कहाँ कहाँ शूट लिए अभी टाइम ही नहीं मिला हमको ऐसा कि मतलब बताने के लिए मुझे कभी टाइम मिलता था कभी ये फ्री होता था बस इतना समझ लो कि वो हफ्ते भर की मेहनत थी पूरा हफ्ता भर शूट किए थे रात में सिर्फ तीन घंटे सिर्फ तीन घंटे हम लोग शूट कर, किया करते थे हो गया था क्योंकि मुझे भी काम पे जाना रहता था इसकी वजह से थोड़ा सा ये होता था मिस मिस बैलेंस बैलेंस होता होता था था थोड़ा और ऊपर से जो था बंदा हमारे साथ में जतिन ओसवाल वो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल है यार तो इस वजह से उसने हम लोगों से एकदम परफेक्टली सब करवा के लिया बराबर उसने मतलब कैमरा जो हैंडल किया उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला बहुत वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था भूतियापंथी का तो वो भी थोड़ा बिजी है बिजी ऑब्वियसली तो वो बहुत बिजी चल रहा है डिले हो रहा है और तो... भूतियापंथी टू तो यार करेंगी बट ये जो है अभी आप लोगों के आंसर मिल चुका होगा कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहा है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहा है हाँ। सो बस इसीलिए की एक वो जो हम लोग जो वीडियो सोच रहे है जो ऐसे समझ लो की ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पहली बार हम लोग दोनों ने मिलकर कुछ सोचा है वो हम लोग अभी करने वाले है थोड़े टाइम के बाद जब पूरा प्रॉपर हो जाएगा तो मिलेंगे यार की वीडियो में में मिलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में। और वही यार अपना ख्याल रखो और, और जो भी क्वेश्चन से पूछते रहो यार कोई ना कोई ब्लॉग में हम लोग आंसर करेंगे हाँ, कमेंट करते जाओ तो हम उसका जवाब कुछ अच्छा रहे। चल रहा है कुछ अच्छा लगा आपको वीडियो के बारे में तो बताओ हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगा तो डोंट वरी बिना डरे कमेंट करो कि यार भाई ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी तो आप चेंज change कर करो हम या, change change कर 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 या भाई, भाई नेक्स्ट टाइम ने ने मत करना है, ऐसा वैसा बोल बोल देना बोल देना बिंदास कि आ, ऐसा ऐसा है हुँ. मैं कर दूंगा वरी मैं क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा आपकी सब कमेंट्स भी पढ़ता हूँ जस्ट सपोर्ट यार मुझे सपोर्ट करो इमरान को तो, सपोर्ट करो और टू के और वन के जल्दी से करवा दो बारह बारह बजने ही वाले अभी और गाइज हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी यूट्यूब फैमिली ईयर और होप सोफ आपका आगे आगे आने वाला साल 2023 अच्छा जाए अच्छा जाए और बी सेफ यार कोरोना का खतरा फिर से आ रहा है ऐसा ना हो जाए यार फिर से हम लोग वही एक पैंडमिक में चले जाए कि बंद है घर में और लॉकडाउन वगैरह हो रहे हैं ना हो ना हो तो ये सब हमारे ही हाथ में मास्क पहनो भीड़ भाड़ वाले जगह से बचो और अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखो स्पेश मतलब लॉकडाउन जैसी चीजें ये रुक जाएगी ना वही तो अभी अगर हम लोग हम लोग अपने आप का ही ख्याल रखेंगे तो क्यों ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी यार सो so, इस वजह से प्लीज कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाओ मास्क पहनो पहनोसली मास्क पहनो सैनिटाइजर लगाओ सैनिटाइजर लगाओ और भी भीड़ भाड़ किधर भी गलत जगह पे हाथ ना लगाओ हाँ वही हाँ। तो प्लीज गाइज बी सेफ और हैप्पी न्यू ईयर सबको हैप्पी न्यू ईयर और टाइम आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का तो चलो गाइज टाइम हो चुका है बाय बोलने का सो अपना और अपने फैमिली दोनों का ख्याल रखो मास्क पहनो भीड़, भा, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचो और प्लीज ये कोरोना से लड़ने के लड़ने में अभी हम लोग को ही साथ देना पड़ेगा सबका हाँ, एक दूसरे का साथ देना, का साथ देना पड़ेगा वेलकम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बाय गाइस लव यू ऑल